हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ राजा जी की हवेली पे, जो ढाबे के नाम से काफी मशहूर है आसपास के इलाके में। मैं पहले शिवा ढाबे पे गया था, अगर वो आपने व्लॉग नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में और देखते रहिए लास्ट तक। देख सकते हैं काफी खूबसूरत व्यू है एकदम। राजा जी ढाबा के नाम से है ये टूपले बना रखा है, पता नहीं क्या है टूपले, वो तो मुझे नहीं पता। तो आप देख सकते हैं यहाँ गाड़ी चार्जिंग स्पॉट बना रखे हैं, ये रहा चार्जिंग जोन, काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों, बिल्कुल बहुत अच्छा बना रखा है। आप इसके अंदर आ चुके हैं और मैं आपको इसका व्यू दिखाऊंगा कि अंदर से कैसा है, काफ़ी अच्छा है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना रखा है अंदर से, काफ़ी अच्छा व्यू है इसका, देख सकते हैं बहुत अच्छा बना रखा है एकदम अंदर से ये इसका, काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी बैठने की जगह भी है लोगों के लिए, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर। अब भी देख सकते हैं राजा जी की हवेली, बहुत ही शानदार लुक है एकदम इसका। तो आपने सिटिंग एरिया तो इसका देख लिया है, मैं अब आपको मेन्यू दिखाता हूँ उसका कि क्या क्या है मेन्यू में और कैसी कैसी चीज़ें हैं। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत मेन्यू है, शिवा मामा ढाबा से अच्छा मेन्यू है इसका। एक एक करके मैं चीज़ें बता नहीं सकता, काफ़ी देर लग जाएगी, आप पॉज करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, ज़बरदस्त है एकदम दोस्तों, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। शिवा मामा ढाबा वाले से काफ़ी अच्छा मेन्यू है इसका। तो दोस्तों सब कुछ आ चुका है, ये हमने मंगाया है राइस, तो दोस्तों ये है दाल मखनी, देख सकते हैं आप बाल्टी माई यहाँ काफ़ी अलग है, और ये पाइन एप्पल रायता, और ये रोटीज़ हैं देख सकते हैं आप, और दोस्तों ये है सैलेड, काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। और ये थाली जो है दोस्तों काफ़ी भारी है, आपको अंदाज़ा नहीं होगा लेकिन काफ़ी भारी है, और अब मैं खा के बताऊंगा कि इसका टेस्ट कैसा है एक एक चीज़। पहले ट्राई करेंगे राइस की कैसे है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सूखे सूखे हैं लेकिन अच्छे हैं दोस्तों। अब मैं ट्राई करूंगा कि दाल मखनी कैसी है, शिवा मामा ढाबा से अच्छी है या उससे नहीं है अच्छी दोस्तों। दाल जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, शिवा ढाबा की काफ़ी अच्छी थी इससे, इतनी अच्छी नहीं है इसकी दाल। अब मैं ट्राई करूँगा रायता दोस्तों, पाइन एप्पल रायता काफ़ी अच्छा है, जैसे रायता मैंने कहीं नहीं खाया जैसे यहाँ गया, काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। आप आएँ और यहाँ आने के ज़रूर खाएँ, खाना अच्छा है लेकिन दाल मखनी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन राइस भी अच्छा है और ये भी अच्छा है रायता, तो आप आ सकते हैं और अच्छा खाना खा सकते हैं। तो खाना खा चुके हैं और बिल्कुल फ्री हो चुके हैं खाना, दाल मखनी तो इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, राइस काफ़ी अच्छे थे। और दोस्तों यहाँ काफ़ी सारी शॉप है, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस चीज़ की शॉप है। बाहर से ऐसा दिखता है करीब से राजा जी की हवेली, काफ़ी खूबसूरत है बाहर से, काफ़ी अच्छा व्यू है, और मैं आपको दिखाता हूँ छोटी छोटी शॉपें हैं बहुत सारी, किस किस चीज़ की शॉप हैं। स्टार्टिंग में है सबसे पहले फूड कोर्ट, काफ़ी सारे फूड हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यार लाइन से कितनी सारी शॉपें हैं, एक एक करके देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत हैं, अच्छी अच्छी शॉपें बना रखी हैं यहाँ पर, हर चीज़ की शॉप है, आप देख सकते हैं आप काफ़ी सारी शॉपें हैं। ये बंद है, यहाँ काम चल रहा है, शायद यहाँ भी कोई शॉप आए, ये देख सकते हैं आप, और ये इसकी पार्किंग है, काफ़ी दूर तक पार्किंग है दोस्तों इसकी, बहुत बड़ी जगह में है ये बना हुआ। और दोस्तों ये देखिए नकली गाय बना रखे हैं, गन्ने का जूस मिलता होगा लिख रहा है गन्ने का जूस। तो लास्ट में है खीर लस्सी चाय वाला, काफ़ी अच्छा है दिखने में, तो यहाँ खीर लस्सी वगैरह मिलती होगी दोस्तों। एक एक चीज़ मैंने आपको दिखा दी कि क्या चीज़ कैसे है, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आने के, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और नए तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और देखते रहिए मिस्टर ब्लॉगर।